हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ की सब्जी। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पापड़ ले लिया है और ये बड़े साइज़ के हमने 6 पापड़ लिए हैं, और आप चाहे तो छोटे साइज़ के भी पापड़ ले सकते हैं, कोई सा भी पापड़, ये मूंग का पापड़ है। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है और इसे गर्म कर रही हूँ मैं, और इसमें मैं पापड़ इस तरीके से रख दूँगी। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पे तवा भी ले सकते हैं या ऐसे ही गैस पे सेक सकते हैं पापड़ को। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से पापड़ को चलाते हुए, इस तरीके से घुमाते हुए हल्के हाथों से सेक लूँगी, और उसके बाद से तो एक साइड सेकने के बाद मैं पापड़ को पलट दूँगी। तो आप देख सकते हैं सिकने लग गए हैं पापड़। तो अब इसे मैं पलट दूँगी पापड़ को, और दोनों साइड से हम सेम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिक चुका है और दोनों साइड से हमने सिक लिया है पापड़ को। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम सारे पापड़ को सिक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे पापड़ सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए गैस पे मैं कढ़ाई रख देती हूँ और इसे गर्म होने देंगे। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल, सरसों ऑयल है। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं यहाँ पर। और इसमें गर्म होने के बाद मैं एक चुटकी हींग और आधी टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, और इसे भून लूँगी मैं अच्छा से। और उसके बाद से मैं इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बारीक क्रश कर लिया है अदरक लहसुन को, तो इसे मैं डाल दूँगी और इसे भी मैं फ्राई करूँगी 1/2 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन, और आप चाहें तो अदरक का आप लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं इसे। और फ्रेंड्स, उसके बाद से इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट से डालें, क्योंकि पापड़ में भी नमक है तो उस हिसाब से। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और जीरा का पाउडर, और इसे भून लेंगे हम। और ये 2 मिनट तक मैं अच्छा से भूनूंगी मसाले को, और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं मसाले को भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें 1 कटोरी में दही डाल दूंगी, और दही को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। इसी लो फ्लेम पे नहीं भूनेंगे तो ये फट जाएगा दही। तो आप देख सकते हैं दही भी हमने अच्छे से मसाले के साथ भून लिया है, और कितना अच्छा से पका हुआ है। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, ये भून चुका है मसाला, और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो 1 गिलास हम पानी ऐड कर रहे हैं। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब इसे बॉईल होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, और चलिए तब तक पापड़ को तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में हमें पापड़ को तोड़ लेना है, और आप पापड़ भी अपने हिसाब से छोटे या बड़े जिस तरीके के पीसेज रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। और बहुत इजीली टूट जाता है पापड़। तो आप देख सकते हैं सारे पापड़ को हमने तोड़ लिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी इसे तोड़ लें, और आप देख सकते हैं हमने तोड़ लिए पापड़। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पापड़ को तोड़ने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके के पीसेज है। तो चलिए ग्रेवी देख लेते हैं। तो ये बॉयल हो चुका है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तोड़े हुए पापड़ को, और हल्के हाथों से मैं चला दूँगी इसे। तो आप देख सकते हैं मैंने चला लिया है, और 1 बॉईल आने तक और रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं उबालना है अब, नहीं तो पापड़ बिल्कुल गल जाएंगे। तो देख सकते हैं 1 बॉईल आ चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला, उसके बाद से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और मैं चला लूँगी इसे। तो फ्रेंड्स, ये बन के रेडी है सब्जी। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे। इसमें 1 बॉईल भी आ चुका है, तो अच्छा से मिक्स हो चुका है पापड़ में मसाले। तो अब इसे मैं बंद कर दूंगी और सर्व कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सर्व कर लिया है, और बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं, और हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। थैंक यू।